अपने खटीमा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में भाग लिया। साथ ही उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में अब तक हुए विकास कार्यों के नाम पर जनता से आशीर्वाद मांगने की भी बात कही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय खटीमा दौरे के दौरान खालसा पंथ के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया। इसके साथ ही खटीमा गुरुद्वारा पहुंचकर शीश नवाया। उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि शांति और खुशहाली के साथ ही दैवीय आपदाओं से राज्य की मुक्ति के लिए अरदास की। गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा मुख्यमंत्री को सरोपा व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री 22 पुल और मेलाघाट गांव में सुबह के समय छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य दे रही महिलाओं के साथ छठ पूजा में शामिल हुए। मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के 7 साल और राज्य के 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में विकास की नई इबारत लिखी गई है। कुमाऊं में नया सैटेलाइट एम्स बनाया जा रहा है, वहीं टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी बन रही है, साथ ही ऑल वेदर रोड निर्माण भी चल रहा है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांगा जाएगा। वो भूतो न भविष्य थी, और जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है, हमारे यहाँ पर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बन रही है, जमरानी बात परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है, ऑल वेदर रोडों पर काम हो रहा है, भारतमाला सतला रोडों पर काम होता है, रेलवे का काम हो या चाहे हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए एक विशेष रूप से उन्होंने इस क्षेत्र को अपने पूरे उसमें लिया है और लगातार योजनाएं देने का काम किया है। उन सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच